वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल विजन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपीपीसीएल टीजी2 का आंसर की आ चुकी है और आप सभी ने अपने आंसर जरूर चेक कर लिए होंगे और मोस्टली स्टूडेंट्स के आंसर्स की के बाद स्कोर काफी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि कंप्यूटर में अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर पाए हैं और उनके जो स्कोर है वो 20 के नीचे रह गए हैं। बहुत से जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि 17.5 या 15 या 19 मार्क्स गेन किए हैं कंप्यूटर में, वो बहुत निराश हैं। तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आज की हम लोग वीडियो में बात करेंगे यूपीपीसीएल टीजी2 में होने वाले नॉर्मलाइजेशन के बारे में और आपको एक ऐसी जानकारी देंगे जो कि हो सकता है कि आपको ना पता हो। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में नॉर्मलाइजेशन से एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जो कि आपके बहुत काम की है। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड को भी ये जानकारी मिल सके। तो चलिए बात करते हैं यूपीपीसीएल के टीजी2 में हुए एग्जाम के बारे में। तो जो जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपीपीसीएल का जो इस बार टीजी2 का एग्जाम हुआ था वो 2 दिन में हुआ था और 4 शिफ्ट में हुआ था। चारों शिफ्ट में जो पेपर का लेवल था वो काफी अलग था और चारों शिफ्ट में जो नंबर स्टूडेंट्स ने गेन किए हैं वो काफी डिफरेंट है। 24 की बात करें तो 24 तारीख को जो पहली शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके कंपैरिजन में जो 25 तारीख को जो पेपर हुए थे वो काफी टफ थे और जो दोनों के स्कोर्स में क्लियरली दिख रहा है कि दोनों का स्कोर काफी डिफरेंट है। बात करें अगर 24 तारीख की तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 140, 145 और 150 स्कोर किए हुए हैं, लेकिन जो वही अगर बात करें हम लोग 25 तारीख में जिसमें कि टेक्निकल और कंप्यूटर दोनों ही हार्ड था तो उसकी बात करें तो उसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो 100 के आसपास ही रह गए हैं। जो बहुत अच्छा जिन्होंने किया है वो 110 स्कोर कर पाए हैं, वरना मोस्टली 100 के नीचे ही स्कोर कर पाए हैं। तो इससे ये मालूम पड़ रहा है कि जो दोनों ही दिन में जो पेपर आए हैं उनके लेवल में काफी फर्क था और नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आज हम लोग बताएंगे कि हाँ नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि इस बार यूपीपीसीएल का जो टीजी2 का जो एडवर्टीजमेंट है उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि एक से अधिक पाली में एग्जाम कंडक्ट किया जाता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। जिनके स्कोर कम आए हैं 25 तारीख में उनका मार्क्स नॉर्मलाइज होगा, उनके मार्क्स में बढ़ोतरी होगी। लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कंप्यूटर में फेल हो चुके हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जिनका मार्क्स कंप्यूटर में 17.5, 18 या बहुत से तो मुझे ऐसे कॉन्टेक्ट किए हैं व्हाट्सएप पर जिनका 19.5 तक आया है और 0.5 मार्क्स से उनका 20 में से रह गया है पास होने में, तो वो बहुत निराश है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग निराश होने की जरूरत नहीं है, नॉर्मलाइजेशन कंप्यूटर में भी होगा। अब आप सब पूछ सकते हैं कि आखिर कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, तो मैं आपको बता सकता हूं कि मुझे लगता है कि 2 से लेकर 5 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। अगर इन दोनों का औसत निकाले तो करीब 3.5 मार्क्स। तो अगर 3.5 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन होता है तो आप देख लीजिए कि जिसके 17 मार्क्स हैं उसका कितना हो जाएगा 20.5 मार्क्स, वो भी पास हो जाएगा, और जिसके 16.5 आ रहे हैं वो भी 20.0 मार्क्स के साथ पास हो जाएगा। तो अगर 3.5 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन होता है जो कि हम लोग को उम्मीद है कि हाँ कंप्यूटर में होगा, अगर नॉर्मलाइजेशन हो गया कंप्यूटर में तो जो स्टूडेंट 16.5 मार्क्स गेन किए हैं जिनका पेपर टफ आया था एज कम्पेयर टू ऐसे स्टूडेंट्स जिनका पेपर बाकी के कंपैरिजन में इजी आया था, तो उन लोगों को इसका फायदा मिलेगा और उनका स्कोर 3.5 मार्क्स तक बढ़ सकता है। तो जिनका 17.5 या 17 या 18 है वो भी परेशान ना हो, वो उम्मीद ना खोए, अभी भी उनके पास मौका है और वो अभी इस वैकेंसी में फाइट में बने हुए हैं। तो आप लोग परेशान ना होइए, आप सभी का बहुत अच्छा चांस है। अगर ये ऐसा होता है तो जो नंबर ऑफ सीट्स है वो पूरी पूरी भरने की आशंका है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो हम जिनसे हम कॉन्टेक्ट में है जो हमें व्हाट्सएप करते हैं उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनका 19.5 और 19 तक आया है, 1 मार्क से या आधा मार्क से उनका कंप्यूटर में पास होना रह गया है, तो बहुत परेशान है। मैंने उनको मैसेज कर भी दिया था कि आप लोग परेशान ना होइए और आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन होगा और हमारे अकॉर्डिंग जो होगा वो 3.5 मार्क्स के आसपास कंप्यूटर में नॉर्मलाइज मार्क्स होगा। बात करें कि बहुत से ऐसे भी टीचर्स हैं या बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि कह रहे हैं
नॉर्मलाइजेशन होगा लेकिन कंप्यूटर में नहीं होगा। मेरे भी जानने में बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो कि आईटीआई के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, और कुछ तो ऐसे भी कोचिंग के इंस्टीट्यूट्स के जो टीचर हैं जो कि आईटीआई के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उन लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि नॉर्मलाइजेशन उन्हीं में होगा जिससे मेरिट बनती है। तो उन लोगों का कहना था कि नॉर्मलाइजेशन खाली मेरिट बेस्ड जो सेक्शन है उस पर होगा, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है वो आपका मेरिट बेस्ड नहीं है, तो इसलिए कंप्यूटर में आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अगर उन टीचर्स की जो कि आईटीआई कॉलेज पढ़ा रहे हैं या बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टीचरों की बात पर हम लोग यकीन करें तो उनका कहना है कि नॉर्मलाइजेशन कंप्यूटर में नहीं होगा, और जो कंप्यूटर में फेल हो रहा है वो पूरी तरह फेल हो जाएगा, उसको किसी भी तरीके का ग्रैंड नहीं मिलेगा, उसको किसी भी तरीके का नॉर्मलाइज मार्क्स नहीं मिलेगा, उसका मार्क्स नहीं बढ़ेगा। अगर आधे नंबर से भी आप फेल हो रहे हैं तो आधे नंबर से आप फेल हो जाएंगे, फिर आपका टेक्निकल चेक नहीं होगा। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, मुझे उम्मीद है कि नॉर्मलाइजेशन होगा और अवश्य होगा, और आप लोगों का जो 16.5 और 17 मार्क्स जो गेन कर रहे हैं वो भी पास होंगे, ये मेरा मानना है। क्योंकि अगर जैसा कि बाकी इंस्टीट्यूट के टीचर कह रहे हैं कि अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ कंप्यूटर में तो जो कट ऑफ है वो बहुत कम जा सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कट ऑफ कितनी रह सकती है तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको ऊपर दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो ये कट ऑफ के आसपास ही जाएगी जो फाइनल कट ऑफ है, और जो टोटल वैकेंसी जो आपकी 2000 है काफी अधिक है, इसलिए इससे ज्यादा कट ऑफ जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 2000 वैकेंसीज को फिल करने के लिए काफी स्टूडेंट्स को देना होगा। मैं एग्री करता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स ने 150 और 160 तक गेन किया है, बहुत से ओबीसी स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने 150 गेन किया है, बहुत से एससी स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने 140 गेन किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो लास्ट स्टूडेंट जो सेलेक्ट हो रहा है जनरल कैटेगरी का या ओबीसी का या एससी का वो भी 140 या 145 गेन किया हो। तो इसलिए इतना हाई कट ऑफ जाना, जैसा कि बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आ रहा था कि इतना कम कट ऑफ नहीं रहेगा, तो बहुत से जैसे भी यूट्यूबर्स हैं जो कह रहे हैं कि 130, 135, 140 तक जा सकती है कट ऑफ, तो मैं इस बात से सहमत नहीं करता, क्योंकि अगर इतनी कट ऑफ जाएगी तो जो टोटल वैकेंसीज हैं 2000 वो फिल हो पाना मुश्किल है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि कट ऑफ कितनी रह सकती है, और क्या आप मेरी बात से सहमत है कि नॉर्मलाइजेशन होगा और कंप्यूटर में 3.5 मार्क्स अराउंड आप सभी के जिनका पेपर टफ आया था बाकी शिफ्ट के मुकाबले में तो उनका बढ़ेगा? अगर आप सहमत हैं तो आप कमेंट करके बताइए कि हाँ आप मेरी बात से सहमत हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे हैं कि क्या सर टेक्निकल में भी नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉन टेक में होगा कि नहीं होगा? हाँ, अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो सभी सेक्शन में होगा। जैसा कि बहुत से स्टूडेंट जो कि 24 तारीख को एग्जाम दिए थे उनका टेक्निकल पोर्शन काफी ईजी आया था, वही बात करें अगर ऐसे स्टूडेंट्स की जो कि 25 तारीख में दिए थे, उन्होंने बताया है कि उनका जो टेक्निकल पोर्शन है वो बहुत ज्यादा टफ था और इलेक्ट्रॉनिक्स से काफी क्वेश्चन भरे हुए थे, और वो भी काफी टफ थे, और जो आपके इलेक्ट्रिकल के भी क्वेश्चन आए थे वो भी काफी टफ थे। तो ऐसा उम्मीद की जा सकती है कि टेक्निकल में भी आपका नॉर्मलाइजेशन जरूर होगा। अब कितने मार्क्स का होता है ये देखना होगा, मुझे उम्मीद है कि जो टेक्निकल पोर्शन है आप लोगों का टेक्निकल जिन्होंने 25 को एग्जाम दिया था और इनका पेपर 24 की कंपैरिजन में टफ आया था, तो इन लोगों को नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा और इनका जो नॉर्मलाइज मार्क्स है वो +8 से +10 तक हो सकता है, मतलब 8 से 10 मार्क्स इन स्टूडेंट्स के बढ़ सकते हैं। तो अगर आपने 25 तारीख को दिया है और आपके मार्क्स कम आ रहे हैं एज कम्पेयर टू जो आपके 24 तारीख को जो पेपर दिए हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके मार्क्स 8 से लेकर 10 मार्क्स आपके बढ़ाए जा सकते हैं और इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो कट ऑफ मैंने बताई है वो कट ऑफ उसी के आसपास रहने की उम्मीद है, क्योंकि जो भी वैकेंसी निकल रही है उसको पूरा करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ज्यादा हाई कट ऑफ रहेगी तो इतनी ज्यादा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा और इनकी वैकेंसी फुल नहीं हो पाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है आप सभी को वो बहुत ही बेनिफिशियल रही होगी,
और आप सभी ने ये वीडियो पूरी देखी है तो आप इसको लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको भी मालूम पड़ जाए कि आखिर नॉर्मलाइजेशन कितना हो सकता है, और कंप्यूटर में जो हम लोग बात कर रहे हैं कि 16.5 और 17 नंबर के जो स्टूडेंट्स हैं, तो आपके भी बहुत से ऐसे फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने 16.5 और 17 मार्क्स या 18 मार्क्स स्कोर किया होगा कंप्यूटर में, और वो इस समय बहुत निराश होंगे और उनका लग रहा होगा कि हम लोग रेस से आउट हो गए हैं। तो आप लोग उनको भी ये वीडियो शेयर करिए और उनको बताइए कि आप रेस से आउट नहीं हुए हैं, आप भी सिलेक्शन के रेस में हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब ऐसा करेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए हमारा चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल विजन।